तो दोस्तों आज कुछ ऐसा ड्रॉ करने वाले हैं और ये थर्ड एपिसोड है जिसमें हम हेयर और फिनिशिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे व्हाइट चारकोल को यूज़ करके। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली हेयर के लिए, क्योंकि मुझे जो मैं यहाँ इमेज खोली है, मैंने आप देख पा रहे होंगे जो मोबाइल के ऊपर खुली हुई है, उसमें क्लियरली ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हम आसानी के साथ बहुत एक्सटेंड तक डार्क वैल्यूज़ में जा सकते हैं। तो वी कैन अफोर्ड टू यूज़ 6B पेंसिल ऑल्सो। सो ये एपिसोड बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि जिन्हें हेयर ड्राइंग के बारे में सीखना है या हेयर के टेक्सचर्स को समझना है, तो ये वीडियो अगर वो देखेंगे तो मेरा ये मानना है या मेरी उम्मीद है कि वो लोग बहुत अच्छे से ही समझ पाएंगे कि कैसे हमको हेयर को ड्रॉ करना है और कैसे टेक्सचर पेपर के ऊपर कैसे रिजल्ट्स को लाया जाता है। तो बेसिकली जब ये पेपर ज़्यादा टेक्सचर्ड होता है या ज़्यादा रफ़ होता है, तो हालांकि रफ़ पेपर तो उसका सही वर्ड नहीं हुआ, अगर सही वर्ड बोला जाए तो टेक्सचर्ड पेपर ज़्यादा सही वर्ड है। रफ़ पेपर से कुछ और मीनिंग भी निकलते हैं, तो इसलिए टेक्सचर्ड पेपर की जहाँ तक बात है, टेक्सचर्ड पेपर पे आप जब भी वैल्यूज़ को इन्हेंस करते हैं या बढ़ाते हैं तो ऐसा होता है कि जितने लेवल तक आपको जाना है उससे एक टोन हल्का ही रखना रहता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको आगे चल के उस पर ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करना है या फिर कोई और स्मजिंग टूल आप यूज़ करने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पहली लेयर में आप बिल्कुल प्रेशर दे करके पूरी की पूरी लेयर को ऑप्ट करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत 6B पेंसिल को ही यूज़ कर रहा हूँ लेकिन प्रेशर अभी मैंने उतना अप्लाई नहीं किया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है किसी भी ड्राइंग को लेकर के है कि आप प्रेशर कितना दे रहे हैं पेंसिल पे। जितना ज़्यादा आप प्रेशर देंगे पेंसिल के ऊपर उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप का पेपर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो हमेशा या तो फिर बहुत हाईली वैल्यू वाला GSM वाला पेपर हो आपके पास तो आप डेफिनेटली बहुत प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन जनरली पेपर जो होते हैं 180 GSM, 200 GSM, 300 GSM चलिए मान लीजिए, तो उन सभी में पेपर पे प्रेशर थोड़ा कम देना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इससे हायर ग्रेड के अगर आपके पास पेपर हैं तो आप उसमें पहली लेयर में भी ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, मैं यही सजेस्ट करता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को भी कि प्रेशर को कम अप्लाई करें, ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई करें। खासकर इनिशियल लेयर्स में तो प्रेशर बहुत ही कम अप्लाई करना चाहिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो सी कि आप अगर कुछ आपको करेक्शन करना है तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकें। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो मेरा रियल फ्लो है हेयर का, मैं बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ। जो मुझे इमेज में दिख रहा है मैं उसी फ्लो को फॉलो कर रहा हूँ एंड अकॉर्डिंगली मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत ही इजी सिंपल स्टेप है जो एक बिगनर भी समझ सकता है, इसी तरीके से बनाया ही है मैंने कि वो इस चीज़ को समझ पाए कि कैसे आपको रियल टेक्सचर को फ्लो को फॉलो करना है। दैट्स इट। अब यहाँ देखिए मैं मोनोलिथ पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ 9B ग्रेड की, क्योंकि मुझे पता है बहुत डार्क वैल्यूज़ को हम अचीव कर सकते हैं। पहले 6B यूज़ की मैंने, अब मैं 9B यूज़ कर रहा हूँ। कभी भी ये काम मत कीजिएगा कि हायर ग्रेड की पेंसिल को पहले यूज़ कर लें और उसके बाद फिर लोअर ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करें, तो फिर आपकी सारे काम की ऐसे तैसे हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि हायर ग्रेड की पेंसिल के ऊपर लोअर ग्रेड की पेंसिल उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती और वो पेपर को केवल डैमेज ही करती है और कुछ भी नहीं करती, क्योंकि आपने एक बार अगर हायर ग्रेड पेंसिल यूज़ कर ली, जैसे 6B यूज़ कर ली, उसके बाद आप भी वो यूज़ करेंगे उसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट उस पर आएगा नहीं। तो इसीलिए वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी है एंड टाइम भी है और साथ ही साथ पेपर के भी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए। दूसरा, अब मैं देखिए यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, मेकअप ब्रश को यूज़ करके वैल्यूज़ को स्मच कर रहा हूँ और एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डार्क टोन वैल्यू को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए बिगनर्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि हम मोबाइल से देख के ड्रॉ कर सकते हैं क्या। मैं फिर से यही बोलूँगा कि मोबाइल से देख के आउटलाइंस ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर बिगनर हो आप तो, और इवन अगर आप
प्रोफेशनल भी हो तो भी मोबाइल से देख करके ड्रॉ नहीं किया जाता, रादर देन उसका प्रिंट आउट लेकर के या फिर सेम साइज का खोल के, जहाँ पे आप मोबाइल पे नहीं लैपटॉप पे या फिर किसी टैबलेट के ऊपर खोल के आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको एक बड़ा साइज प्रोपोर्शन वाइज दिखाई दे, पूरा का पूरा एक इमेज के अंदर दिखाई दे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि केवल आइज नज़र आ रही हैं, फिर उसके बाद आप उसको जूम इन कर रहे हैं, फिर कुछ और पोर्शन देख रहे हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। डेफिनेटली करने को कुछ भी किया जा सकता है, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, लेकिन डिफ़िकल्ट और ईजी दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, जो जो हेयर के स्ट्रैंड्स होते हैं, जो लटे होती हैं, उनको यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि कैसे उसको करना है। देखिए, कैसे एक फ्लो को क्रिएट करना है, बस आपको और कुछ ज़्यादा नहीं करना, उस फ्लो को पकड़ना है जो कि एक स्पाइरल वे में एक स्प्रिंग के जैसा आपको नज़र आ रहा है, वो बस उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। और बहुत इजी है, कोई ऐसी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जिसको हम सोचें कि हाँ भाई इसको कैसे ड्रॉ करना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। रादर दैन जो फीचर्स हैं वही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो आई नोज़ लिप्स और ईयर हो गए या फिर चीक्स हो गए, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, रादर देन कि हेयर या फिर हेयर के पर्टिकुलर पोर्शन की बात की जाए, वो सब इतने ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, या आईब्रो की बात की जाए, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप एनी डे सीख सकते हैं, किसी भी दिन सीख सकते हैं। आई एम अगेन यूजिंग द सेम टूल, ब्लेंडिंग टूल, जो मेकअप ब्रश है एक तरीके का, और उसी को यूज़ करके मैं वैल्यूज़ को स्प्रेड कर रहा हूँ, स्मच कर रहा हूँ। टेक्सचर्ड पेपर होने से फ़ायदा भी ये है कि वैल्यूज़ बहुत ईजिली स्प्रेड हो रही हैं। अगर यही पेपर स्मूथ पेपर होता तो थोड़ी मेहनत और करनी पड़ती, मतलब प्रेशर इस चीज़ पे ज़्यादा देना पड़ता कि स्मच कैसे किया जाए, लेकिन ईजी ज़रूर होता है वो, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि टेक्सचर्ड है, इसलिए आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीज़ें नहीं नज़र आती, मिक्स नज़र आती हैं। अभी तो कैमरे से थोड़ा सा दिखते हैं, दूर से तो बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखती हैं, बहुत पास से देखेंगे तो सारी चीज़ें थोड़ी ब्लर नज़र आती हैं। और टेक्सचर्ड पेपर पर ड्राइंग का मज़ा ही यही है कि एक सर्टेन डिस्टेंस से आप जब उसको देखेंगे तो आपको वाकई में मज़ा आने वाला है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप थोड़ा सा दूर रख के अपने से देखते हैं, देन यू विल एंजॉय इट। तो देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जॉ लाइन के नीचे एक जो लाइन है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो जॉ लाइन आपको दिख रही है वहाँ पे, और ये जो जॉ लाइन पे लाइन आप देख रहे हैं, उस लाइन की अगर बात की जाए तो वो जो रिफ्लेक्शन है ना, जो नीचे का जो बॉडी है या जो नीचे के जो कपड़े हैं, उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पर पड़ता है। दैट रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी उसको मिस कर जाते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए आपको मेंशन किया है। वहाँ पे एक हल्की सी हाईलाइट ज़रूर दिखाइए, ज़रूर दिखाइए, ताकि वो जॉ लाइन बिल्कुल साफ साफ आपका मेंशन हो, साफ साफ क्लियरली दिखाई दे हर किसी को, और फिर उसको हल्का सा स्मच कर दीजिए। बिल्कुल भी ऐसे चमक भी नहीं पड़ना चाहिए कि अचानक से हाईलाइट नज़र आ रहा है, इट शुड बी मर्ज इनटू द मिस्ट ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो वो एक काम ज़रूर कीजिए, आपको इमेज में, रियल इमेज में ऐसा नहीं दिखेगा कि वहाँ हाईलाइट है, क्योंकि कलर्ड हम अक्सर देखते हैं पोर्ट्रेट्स को, जो रियल इमेज होती है वो कलर्ड होती है, तो वहाँ पे वो इतना सिग्निफिकेंटली नहीं समझ में आता, लेकिन जब आप उसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे, देन यू कम टू नो कि वहाँ पे एक लाइन है जो कि आपको नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे वाइट इरेजर पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, इट्स अ इरेजर, जो कि पेंसिल के अंदर इरेजर पूरा का पूरा है लेड में, अक्सर लोग इसके बारे में पूछते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, और उसको यूज़ करके मैं यहाँ पे कुछ वाइट हाईलाइट्स को क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि हेयर के ऊपर जो लाइट्स पड़ रही हैं उनको, और जो बाकी कुछ कुछ जगहों पे, बहुत माइन्यूट जगहों पे उसको भी यूज़ कर रहे हैं। अभी एंड में हम एक और वाइट चीज़ को यूज़ करेंगे जिसका काम कुछ और रिफ्लेक्ट करना। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है जनरल्स की चारकोल पेंसिल, वाइट चारकोल पेंसिल, और इस वाइट चारकोल को अब हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि ये पेपर टोन्ड था, और जो टोन लेने के पीछे जो पर्पस था, एक लाइट टोन पेपर था ये, तो जो पर्पस था वो यही था कि हम लास्ट में वाइट हाईलाइट्स को भी चारकोल पेंसिल यूज़ करके, वाइट चारकोल को यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्ट्रेट जो हमने लाइट एंड शेड्स पे किया, मतलब जैसे लाइट एंड शेड्स हमने यहाँ डेवलप किए हैं, उसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम इस पेंसिल को यूज़ कर सकें, लेकिन जैसे आई के अंदर जो स्पॉट है जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है प्यूपिल के ऊपर, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंडली नोज़ के टिप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और ये जब आप करते हैं ना, तो इट मेक्स द पोर्ट्रेट्स मोर टूवर्ड्स 3D, और ये
पोर्ट्रेट को एक नया डायमेंशन देता है, ड्राइंग के पोर्ट्रेट को एक नया डायमेंशन देता है। इसीलिए लोग टेक्सचर पेपर, टोन पेपर को यूज करते हैं, जहाँ पे दोनों तरीके की चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। व्हाइट हाइलाइट्स के लिए आप व्हाइट चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हैं, एंड सिमिलरली जो लेस प्रोन एरिया है, जहाँ पे कम हाईलाइट्स हैं, वहाँ पे आप इरेजर को यूज करके हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं, और जो एक्सट्रीम हाईलाइट्स हैं वहाँ पे आप व्हाइट चारकोल का यूज करते हैं। तो आप देखिए कितना डिफरेंस आ गया, कितना ज़्यादा आपको वैल्यूज में जो डिफरेंस है, जो ब्लैक है एंड देन व्हाइट, वहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से आप कैप्चर कर पाते हैं दोनों के बीच की जो वैल्यूज हैं उनको। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फिनिश किया फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, बहुत मेहनत से आपके लिए पूरा का पूरा ये ट्यूटोरियल बनाया मैंने। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी के रिगार्डिंग, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे खैर बहुत सारे मैसेज आते हैं फ्रेंड्स, मैं देख भी नहीं पाता क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, बट मेरी कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं देख पाऊँ सबको, भले ही रिप्लाई ना जा पाए लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।